सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस रिंग के बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम चलते हैं मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन या फिर बार। जब भी हम समझते हैं दशमलव आ जाता है, दशमलव के बाद कोई भी डिजिट लिखी रहती है उसके ऊपर बार लगा रहता है, तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना थोड़ा सा टफ रहता है और इससे संबंधित बहुत सारी परेशानियां विद्यार्थियों को होती हैं। तो आज हम आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताएंगे जिससे जिसको जानकर आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको सेकंडों में सॉल्व कर दोगे, है ना। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, है ना। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे बार क्यों लगाते हैं इसको देखो। जब भी दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट होती है तो जो संख्या रिपीट होती है बार 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 आती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये बताने के लिए कि ये संख्या बार 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 आ रही है। जैसे मैं बोलता हूँ 0.3333 और बार 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 आ रही है तो क्या करेंगे 0.3 के ऊपर बार लगा देंगे। जैसा कि मैं बोलता हूँ 0.25252525 और फिर भी बहुत बार 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 ऐसे ही हो रहा है हमेशा, है ना, इन्फिनिटी तक। तो हम क्या करेंगे 0.25 की पावर, है ना, बार लगा देंगे। सपोज करो ऐसा कुछ हो रहा है 0.23434 और ऐसा होता जा रहा है, तो किसके ऊपर बार लगाएंगे हम? आप बोलोगे सर कि 3 4 दोनों रिपीट हो रही है तो इन दोनों के ऊपर बार लगना चाहिए, मतलब 2 को छोड़ देना चाहिए, तो 0.2 और 3 4 के ऊपर बार लग जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आप इसमें बताइए कि 0.5 इसके बाद 4 4 4 4 ये आता रहता है, तो आप बोलोगे सर 4 रिपीट हो रहा है, 5 तो हो नहीं रहा है, तो आप बोलोगे 0.5 लिख के 4 के ऊपर बार लगा दीजिए, बस, ठीक है। अब इसको ये तो होगा हमारा ये सब जानना कि कैसे हम लिखते हैं इसको, कैसे लिखा हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है उसको जानते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम टाइप 1 पर चलते हैं। टाइप पहले क्या कहती है कि जब भी कोई भी 0.4 ऐसा लिखा है इसके ऊपर बार लगा है, इसका मतलब क्या है, दशमलव के बाद 4 बार 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 आया होगा। अब इसको मुझे फ्रैक्शन में बदलना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी लिखा है पॉइंट के बाद जितने अंकों के ऊपर बार लगा है उसके नीचे उतने ही 9 आ जाते हैं। तो इतना याद रखो कि जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है वो बार किसमें बदल जाता है, उसके नीचे उतने ही 9 आ जाते हैं। जैसे कि इसमें क्या लगा है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 4/9, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार था। जैसे मैं लिखता हूँ 0.25 की पावर बार, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं है यहाँ पे 25 का 25 लिख देंगे हम और देखेंगे कितनी डिजिट है, 2, तो 99 आ जाएगा इसमें। अच्छा, मैंने कहा बिल्कुल सही बताया आपने, मैंने कहा आप इसका बताइए इसका क्या हो जाएगा, 4 6 2 इस तीनों के ऊपर बार, तब भी आप बोलोगे सर बिल्कुल बेसिक है कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे 4 6 2 का 4 6 2 लिख देंगे और 3 डिजिट है यहाँ पे काउंट करेंगे, तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे तीनों के ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 3 9 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सही समझा आपने, ऐसे ही करना है ना। अब देखो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इससे संबंधित कैसा, 0.24 के ऊपर बार प्लस 0.36 के ऊपर बार, है ना, 0.40 के ऊपर बार, है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब भी आप बोलोगे सर सिंपल है, मैंने कहा बताइए आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपने कहा कुछ नहीं सर कि देखो 2 4 के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे 24/2 बार 9 लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ पे 2 के ऊपर यहाँ पे भी बार है, तो जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने तो 9 आते नीचे, इसमें भी 2 9 आ जाएंगे और इसमें भी 2 9 नीचे आ जाएंगे बस। तो देखो 30 40 50 60 70 80 90 100, मतलब क्या आ जाएगा 100/99, इसका मतलब क्या हो जाएगा 99 100/99, मतलब 1 सही 1/99 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे संबंधित दूसरे डिजिट के कैसे आते हैं देखो, टाइप 2 पढ़ेंगे, इसमें देखो ये भी बिल्कुल बेसिक है ना। यदि अभी क्या था कि दशमलव के बाद जो भी डिजिट आ रहा था उसमें बार आ रहा था, है ना, तो मैं ऐसे देखता हूं कि 2 3 और इसको मैं बार करता हूं, इसको मैंने समझाया था, इसका मतलब क्या है 0.2333 इंफिनिटी बार है। तो अगर ऐसा आ गया तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, दो क्या करते हैं हम इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम कुछ नहीं करना है, क्या करना पड़ेगा देखो यहाँ पे कि सबसे पहले तो जैसा लिखा है वैसे लिख लो 23
ठीक है। और हम मैंने बताया था कि जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने नीचे नौ लिख लेते हैं, तो इसमें कितने नौ लिखेंगे, एक, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है। अब जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको हम माइनस करके घटा भी देते हैं इसमें और उतने जीरो भी लिख देते हैं। तो जिसपे बार नहीं है वो क्या काम करता है, वो दो काम करता है। एक तो वो काम करता है कि इसके नीचे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएंगे, उतने ही जीरो आ जाएंगे जितने डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, और वो स्वयं में घट जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 21/90। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला चलो अच्छा इसको बताओ इसका क्या हो जाएगा, 38 इसके ऊपर बार है, तो अब कुछ नहीं क्या हो जाएगा, पहले तो 38 पूरा आ जाएगा और जो 3 है उसको हम घटा देंगे और माइनस में क्या करेंगे, 38 - 3 इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे है ना, अब 38 हो गया पूरा, इनमें से 3 घटा दिए, अब देखो एक डिजिट पे बार है तो 9 आ जाएगा और जिस पे बार नहीं है उस पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ करो, ऐसा ऐसी डिजिट है 0.14 की पावर बार प्लस 0.23 की पावर बार प्लस 0.82 की पावर बार। इसको सॉल्व कैसे करोगे, बिल्कुल बेसिक है, क्या करना है हमें, कुछ भी नहीं करना है, हमें मालूम है कि देखो एक डिजिट के ऊपर बार है तो 9 आ जाएगा और एक के ऊपर बार नहीं है तो 90 आ जाएगा। तो क्या करना है हमें, 90 आने सब में बाद में, तो देखो 14 - 1/90 प्लस 23 - 2/90 प्लस 82 - 8/90, इससे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा जो भी है ना।